10 दिसंबर से निपुण इंडिया म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से म्यूचुअल फंड्स का एक न्यू फंड ऑफर है जो ओपन होगा, जिसका नाम निपुण इंडिया पैसिव फ्लेक्सी कैप फंड ऑफ फंड होगा। तो फ्लेक्सी कैप फंड जो है, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी आपको पता है, अभी रिसेंटली एक महीना हुआ है, 6 नवंबर को जो है सेबी की तरफ से फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से मीट करवाया गया था। एक न्यू कैटेगरी है जो म्यूचुअल फंड्स की, उसको लॉन्च किया गया था 6 नवंबर को। तो उसके बाद जो है मल्टी कैप स्कीम्स ने, कुछ मल्टी कैप स्कीम्स थी जिन्होंने डिसीजन लिया था कि वो जो है अपने फंड्स को, अपनी स्कीम्स को जो कन्वर्ट करेंगी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की स्कीम्स में। तो उसके बाद अगर हम बात करें जो फ्रेशली न्यूली स्कीम जो मार्केट में आ रही है, तो वो निपुण इंडिया का पैसिव फ्लेक्सी कैप फंड ऑफ फंड है। तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर आपको पता है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो इक्विटी इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज में 65% तक की जाती थी, और जो इन्वेस्टर्स को 30 डेज की विंडो भी दी जाती थी जो निवेशक जो है एग्जिट करना चाहते थे। तो अगर कोई भी निवेशक जो है एक महीने के अंदर अंदर एग्जिट करना चाहता था, रिडीम यूनिट्स करना चाहता था, तो उनको किसी भी प्रकार का एग्जिट लोड नहीं देना रहता था। और स्कीम में जो है हर किसी टाइप की कैटेगरी के स्टॉक्स का जो है एक्सपोजर रखा जा सकता था। तो जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं निपुण इंडिया पैसिव फ्लेक्सी कैप फंड ऑफ फंड के बारे में। तो पैसिव फंड्स आपको पता है कि जो उनका एक एक्टिव पोर्टफोलियो नहीं होता, किसी स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो नहीं बनाया जाता, किसी इंडेक्स को जो ट्रैक करते हैं फंड, या फिर किसी ETF में जो है इन्वेस्टमेंट रहते होंगे। पैसिव फंड्स और एक्टिव फंड्स के बारे में आप सब जानते होंगे। पैसिव फंड्स होते हैं जो जनरली किसी इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, और जो एक्टिव फंड्स होते हैं उनका जो एक एक्टिव पोर्टफोलियो होता है, फंड मैनेजर की तरफ से एक एक्टिव पोर्टफोलियो तैयार किया जाता है, टाइम टाइम पर जो है चेंजेस किए जाते हैं उस पोर्टफोलियो में। बट इंडेक्स फंड्स में, पैसिव फंड्स में ऐसा नहीं होता पोर्टफोलियो में, बट इंडेक्स फंड्स में, पैसिव फंड्स में ऐसा नहीं होता। पैसिव फंड्स फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लें निपुण इंडिया निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, तो जो निपुण इंडिया निफ्टी 50 इंडेक्स फंड होगा वो ट्रैक करेगा निफ्टी 50 के इंडेक्स को। तो कोई भी अलग से एडवांस में पोर्टफोलियो नहीं बनाया जाएगा, तो जो स्कीम की इन्वेस्टमेंट रहेगी वो निफ्टी 50 के स्टॉक्स में ही रहेगी, और वहीं से जो है रिटर्न्स जनरेट की जाएंगी। तो सेम एज जो पैसिव फंड्स होते हैं वो किसी इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, तो जनरली ये जो है पैसिवली फंड नहीं होते, यही डिफरेंस होता है पैसिव फंड्स और एक्टिव फंड्स में। और हम बात करें फंड ऑफ फंड्स के बारे में, तो फंड ऑफ फंड्स आपको पता होगा कि फंड ऑफ फंड्स होते हैं जो किसी ऑलरेडी म्यूचुअल फंड की स्कीम्स की यूनिट्स में, किसी ETF की यूनिट्स में, किसी REIT की यूनिट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। कोई भी एक एक्टिव जो है पोर्टफोलियो नहीं बनाया जाता, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं रखी जाती, किसी ETF की, किसी म्यूचुअल फंड की यूनिट्स में ही इन्वेस्टमेंट की जाती है। तो सेम एज निपुण इंडिया पैसिव फ्लेक्सी कैप फंड है जो, इसकी भी इन्वेस्टमेंट रहेगी निपुण इंडिया म्यूचुअल फंड हाउसेस के जो भी ETFs हैं, इंडेक्स फंड्स हैं, उनकी यूनिट्स में इन्वेस्टमेंट करके वहां से लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ जो है इस स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो चलिए जानेंगे डिटेल में निपुण इंडिया पैसिव फ्लेक्सी कैप फंड ऑफ फंड की जो डिटेल, उसके बारे में बात करेंगे। और जो मैंने फ्लेक्सी कैप, पैसिव और फंड ऑफ फंड्स के बारे में आपको बता दिया, तो उम्मीद करता हूं आपको इसके बारे में समझ आ गया होगा। तो चलिए अब कुछ जो है फंड की डिटेल्स के बारे में भी जानते हैं, उसके लिए मुझे लेके चलना पड़ेगा आपको स्क्रीन पर। तो चलिए चलते हैं। अगर आप किसी भी टाइप की इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मैं ले आया हूँ आपको अपने ब्लॉग पर। अगर आपने हमारा ब्लॉग जो है अभी तक विजिट नहीं किया, तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अपने ब्लॉग का लिंक दे दूंगा, क्योंकि हम वहाँ पर कोई भी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, NFO से रिलेटेड या फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ होती है फर्स्टली हम वहाँ पर अपडेट कर देते हैं। इशू है जो स्कीम का वो ओपन होगा 10 दिसंबर 2020 से, इशू सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होगा। इशू की जो क्लोजिंग डेट है 24 दिसंबर 2020 को फंड क्लोज हो जाएगा ड्यूरिंग NFO पीरियड जो है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, सब्सक्रिप्शन करने के लिए। तो स्कीम जो ओपन होगी, रीओपन होगी इन्वेस्टमेंट के लिए, कोई भी इन्वेस्टर जो है बाद में इन्वेस्टमेंट कर पाएगा, वो 8 जनवरी 2021 को जो है स्कीम रीओपन हो जाएगी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। फंड मैनेजर जी हैं जो मिस्टर मेहुल दमा जी, इस फंड को मैनेज करेंगे। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप इसमें 5,000 रुपये कर सकते हैं। NAV जैसा कि आपको पता है कि कोई भी म्यूचुअल फंड्स का अगर न्यू NFO आता है, तो जो NAV यूनिट्स होती है पर यूनिट वो आपको एप्लीकेबल होगी 10 रुपये। तो NAV जो है 10 रुपये एप्लीकेबल होगी ड्यूरिंग NFO पीरियड। एग्जिट लोड है जो नो चार्जेस ऑन विदड्रॉल, तो आप कभी भी किसी भी टाइम जो है अपनी मनी को विदड्रॉल कर सकते हो, आपको कोई भी किसी भी टाइप का एग्जिट लोड जो है नहीं लगेगा। स्कीम को जो बेंचमार्क रहेगा निफ्टी 500 TRI स्कीम का बेंचमार्क रहेगा। रिस्क है जो स्कीम का मॉडरेटली हाई है। तो स्कीम का जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ करना है, इन्वेस्टमेंट करके ETFs में, इंडेक्स फंड्स में
निपुण इंडिया म्यूचुअल फंड के जो भी इंडेक्स फंड्स होंगे, ETFs होंगे, वहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट करके वहाँ पर लंबे समय के लिए कैपिटल ग्रोथ करना स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है। तो जो एसेट एलोकेशन होगा स्कीम का, जो इन्वेस्टमेंट रहेगी वो इस टाइप से रहेगी, यूनिट्स ऑफ निपुण इंडिया ETFs। तो निपुण इंडिया ETF के और इंडेक्स फंड्स में जो इन्वेस्टमेंट रहेगी स्कीम की, 95% से 100% तक जो है इन्वेस्टमेंट रह सकती है यूनिट्स ऑफ निपुण इंडिया के ETFs में और इंडेक्स फंड्स में। डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में 0 से लेकर 5% तक की जो है इन्वेस्टमेंट रह सकती है इस स्कीम की। अगर हम बात करें कि किन टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए स्कीम सुइटेबल रहेगी, वांट टू इन्वेस्ट फॉर 5 to 5 years, तो जो इन्वेस्टर्स 4 से लेकर 5 साल तक के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इट इज़ गुड फंड टू इन्वेस्ट सम मनी ऑफ योर कैपिटल। तो जैसा कि आपको पता है कि फ्लेक्सी कैप सेबी की तरफ से न्यू कैटेगरी जो है लॉन्च की गई है म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, तो हर एक इन्वेस्टर से इच्छुक होगा इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो अगर आप थोड़े से अपने कैपिटल का हिस्सा इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपको जो है अच्छी रिटर्न्स यहाँ से मिलेंगी। इन्वेस्टर्स हु वांट टू लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ, तो जो इन्वेस्टर्स लंबे समय के लिए अपनी कैपिटल में ग्रोथ चाहते हैं, वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, वो इन्वेस्टर्स इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट फिर भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लीजिए, एडवाइस लीजिए, तभी इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। बात करूंगा यहीं पर। अगर वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।